नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही झारखंड पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। वहीं जानकारी के अनुसार पंचायती राज विभाग द्वारा एक दो दिनों में पंचायत चुनाव को लेकर फाइल जो है वो मुख्य सचिव के माध्यम से राज्यपाल को भेजी जाएगी, और इसके साथ ही राज्यपाल की स्वीकृति के लिए राजभवन भेजने के बाद पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा जो है वो जल्द की जाएगी। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 10 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव की घोषणा जो है वो की जाएगी। वहीं इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड पंचायत चुनाव 2022 के प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता जारी कर दिया है। बता दें कि इस बार झारखंड पंचायत चुनाव मई में ही 4 चरणों में सम्पन्न हो जाएगा। अलग अलग जिलों में 1 से 4 चरणों में चुनाव होगा, और इसके साथ ही सरकार की ओर से पंचायत चुनाव 2022 की तैयारी पूरी कर ली गई है। झारखंड पंचायत चुनाव 4,345 ग्राम पंचायतों में होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 53,479 है। इसके माध्यम से 4,345 मुखिया का चुनाव होगा। वहीं पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या 5,341 है, जबकि जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या 536 है। इसके साथ ही दर्शकों को बता दें कि इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होगा। संशोधन पर राज्य निर्वाचन आयोग के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। पंचायत चुनाव ईवीएम के बजाय इस बार बैलेट पेपर से होगा। इसे लेकर 5,000 बैलेट बॉक्स उत्तर प्रदेश से मंगाए गए हैं। यहाँ लगभग 42,000 बैलेट बॉक्स पहले से ही उपलब्ध है। आयोग द्वारा पंचायत चुनाव में कोरोना से बचाव को लेकर एसओपी भी पूर्व में जारी कर दिया गया है। आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए कुल 53,480 मतदान केंद्र चिन्हित किए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि झारखंड में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और इसके साथ ही जिला परिषदों का कार्यकाल नवंबर दिसंबर 2020 में ही पूरा हो चुका है। चुनाव नहीं होने के कारण झारखंड को पंचायती राज के लिए सालाना मिलने वाली 700 से 800 करोड़ की राशि जो है वो नहीं मिल पा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कहीं ना कहीं यह राशि नहीं मिलने की वजह से नुकसान भी हो रहा है, और ऐसे में अब जल्द ही राज्य में पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। बता दें कि 10 अप्रैल से पहले ही घोषणा की जो सूचना है वो सामने आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पंचायत चुनाव को लेकर के आगे आने वाले समय में सरकार की ओर से किस तरीके के दिशा निर्देश दिए जाते हैं और पंचायत चुनाव की तैयारियां जो है वो किस तरीके से की जाती है। आप देखते रहिए लाइव लगातार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।